Hello viewers, welcome to my channel. In this video I am going to solve chapter 13, exercise 13.5, जो कि optional chapter है. Optional chapter का sorry exercise का जो question होते हैं वो थोड़ा सा tricky होता है, उसे solve करना बहुत जरूरी होता है. Board exam में बहुत बार वो दे देता है और वो 4 marks में होते हैं. इस बात का ध्यान रखना कि वो मैक्सिमम मार्क्स गेन करने वाले क्वेश्चन होते हैं और समझना बहुत जरूरी है. फोर क्लास 10 विच इज क्वेश्चन विच इज गिवन अ कॉपर वायर 3 mm इन डायमीटर इज ओन्ड अबाउट अ सिलेंडर हुज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 10 सेंटीमीटर. यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक सिलेंड्रिकल फॉर्म का मैंने एक सिलेंड्रिकल फॉर्म का लिया है ये, और एक वायर है ना, ये रहा वायर. यहाँ पे बोला जाता है कि ये सिलेंडर जो है, सॉरी सबसे पहले ये वायर जो है इनकी जो डायमीटर है वो 3 mm है. 3 mm है, दैट्स वाई उसे हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया, अभी उसकी बात नहीं कर रहे. ये सिलेंडर है, उनका लेंथ जो है, सपोज दैट इनका जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है और इनकी जो डायमीटर है, डायमीटर वो 10 सेंटीमीटर है. इस पे इस वायर को ओंड की गई है, यानी इस तरीका से लपेटी गई है ना, ऐसे ऐसे करके लपेटा गया है. तो ये लपेटा गया है तो पूछा जा रहा है कि सो एज टू कवर द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड द लेंथ ऑफ लेंथ एंड मास ऑफ द वायर. मतलब ऐसे ऐसे करके अगर हम लपेटते हैं तो वो कितना लेंथ वायर जो है वो इसमें लपेटा जाएगा. और उसके बाद बोला जा रहा है, एक चीज़ और बोला जा रहा है कि कितने लेंथ होंगे एंड प्लस में उस लेंथ का पूरा मास क्या होगा, यानी उसकी वेट भी हमें फाइंड करनी है. तो यहाँ पे मैंने जो ये वायर को ड्रॉ किया है और एक सिलेंड्रिकल फॉर्म को, यानी कि इस तरीका से हम उसे ओंड करेंगे, यानी चारों साइड में. अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है कि एक बार जब हम इसमें घुमा रहे हैं, एक बार लपेट रहे हैं इस सिलेंडर में जब वायर को, तो वो एक सर्कमफ्रेंस को कवर कर रहा है. यहाँ पे देखने क्या है कि जब एक ये क्या होता है, यस इसका एक सर्कमफ्रेंस है, एक बार ये सगर एक सर्कल का एक सर्कमफ्रेंस है, एक बार इस पर हम एक बार इसे लपेट रहे हैं तो एक सर्कमफ्रेंस ले रहा है ना. तो ये इस यहाँ से इसका जो डायमीटर है, इसके हाइट की जो मेजरमेंट है उससे हम अगर डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये इसका मोटाई थिकनेस जो है वो एक बार जब हम इसे घुमा रहे हैं तो उतनी एरिया को ये कवर कर रहा है. तो इस 12 सेंटीमीटर के एरिया को कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे. और जहाँ तक लेंथ की बात है, ये तो जितना राउंड वो मतलब उतना राउंड आ जाएगा, वो तो क्या आ जाएगा, उतना राउंड आ जाएगा वायर की, उतनी राउंड आ जाएगी. उसके बाद वन राउंड की हम सर्कमफ्रेंस फाइंड कर लेंगे तो हम उसे 40 से मल्टीपल कर देंगे तो हमारा पूरा लेंथ आ जाएगा. जब लेंथ आ जाएगा तो हम मास को फाइंड कर सकते हैं. बस इसी चीज़ को लेकर के हम सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि एक बार जब हम उसमें घुमाते हैं सिलेंडर में वायर को, तो वो वायर जो है वो आपका एक सर्कमफ्रेंस को कवर कर रहा है. तो डायमीटर ऑफ वायर विच इज 3 mm, जिसे हमने सेंटीमीटर में, चूंकि कभी भी जो भी यूनिट ली जाती है वो सेम यूनिट करके हम सॉल्यूशन करते हैं, तो सेंटीमीटर में हमने इसे एमएम को भी कन्वर्ट कर दिया. फिर इसका रेडियस भी फाइंड कर लिया, क्योंकि आगे हमें रिक्वायरमेंट होगी रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये भी हमें रिक्वायरमेंट होगी, दैट्स व्हाई मैंने फाइंड कर लिया हाइट ऑफ सिलेंडर जो कि गिवन है. तो अब यहाँ पे हम इस चीज़ को अभी तक तो समझ में आ गया होगा, ये वायर है और इसमें इस तरीका से ओल्ड की जा रही है. तो नंबर ऑफ लाइन of wire ended, number of line of wire ended to cylinder equal to क्या हो जाएगा, इसके पूरे हाइट से एक का अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें नंबर ऑफ वायर की मेजरमेंट, मतलब ये पूरे हाइट की मेजरमेंट से एक वायर की थिकनेस को डिवाइड कर देंगे. इट मीन्स 12 डिवाइडेड बाई 0. इसे हम लिख सकते हैं 3, विच इज 12 मल्टीपल 10 अपॉन में 3, इसे कैंसिल करेंगे 4, विच इज 14 राउंड. कितना आंसर आया, 14 राउंड ये
उसको लपेटेगा, यानी 14 टाइम्स जो है वायर इस तरीका से घूमेंगे। तो एक बार घूमने में अब हम सबसे पहले फाइंड करते हैं कि एक बार घूमने में कितना वायर का लेंथ आएगा। अभी तो हमने ये फाइंड किया कि वो 40 टाइम्स वो इस तरीका से गोल 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 घूमेगा। अब हम फाइंड करते हैं कि एक अगर सर्कमफ्रेंस इसका हम इसका सर्कमफ्रेंस अगर हम फाइंड कर ले तो वन राउंड हो जाएगा। तो वन राउंड ऑफ वायर इक्वल टू सर्कम फेरेंस ऑफ सर्कुलर पार्ट, है ना, इक्वल टू आ जाएंगे टू पाई आर। सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है टू पाई आर होता है। तो इसका 2 × 22/7 एंड मल्टीपल आर कितना है इसका सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर में घूम रहा है, दैट्स व्हाई हम सिलेंडर की ये आ गए वायर। इनको जब मल्टीपल करोगे तो 220/7 यानी 44 × 220/7। अब ये आ गया हमारे पास एक बार एक लेंथ, एक बार जब वो घूमेगी एक सिलेंडर में, अब पूरे लेंथ निकालेंगे तो पूरे लेंथ को निकालने के लिए इसे हम 40 से मल्टीपल करेंगे। तो टोटल लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू 220 मल्टीपल में 40। जब इनका मल्टीपल करोगे तो आएगा 1257.14 सेंटीमीटर। इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 5.57 मीटर अप्रोक्स। ओके, अब हमारे पास अब वायर की हम वेट फाइंड करेंगे। इसका लेंथ तो हमने फाइंड कर लिया, नाउ ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब ये सेकेंड पार्ट, मास ऑफ वायर। तो एक फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ जो वायर जो होता है हम सबसे पहले उसे फाइंड कर लेंगे, क्योंकि मास ऑफ वायर का जो जो हम मास निकालते हैं तो मास के लिए हमें उसके वॉल्यूम से उनके वायर का जो डेंसिटी है उससे हमें मल्टीपल करना होता है। मतलब जितनी भी डेंसिटी यहाँ पे गिवेन है ऑलरेडी, है ना, इस चीज़ को मैं लिख दूँ, मास ऑफ वायर, फोर मास ऑफ वायर, डेंसिटी ऑफ वायर इक्वल टू 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और तो इसके लिए हमें वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी, वॉल्यूम, क्योंकि इसका जो वायर का वॉल्यूम है, वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम से हम ये पर सेंटीमीटर, एक मतलब एक सेंटीमीटर का जो वॉल्यूम होता है, एग्जांपल में मैं समझा सकती हूँ कि जैसे कि सपोज दैट दे कि अगर हमारे पास एक पेन की कॉस्ट 5 रुपीज़ है, तो अगर हम हमारे पास जब भी एक डब्बे में कितने पेन हैं उसका नंबर हमें पता होना जरूरी है। दैट्स वाई जिस वायर की हमें वेट निकालनी है उसका वॉल्यूम का पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम को फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर सपोज दैट हमारे पास एक पेन का कॉस्ट है, बोला जाए कि एक डब्बा में जितना पेन है उस सब का कॉस्ट क्या होगा, तो जब तक हमें नंबर ऑफ पेन्स पता नहीं होंगे हम टोटल पेन्स की कॉस्ट को फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है कि हमें जब तक जो वायर, इतना वायर है, इतना मीटर वायर है, इसकी हमें वॉल्यूम पता नहीं होगी तब तक हम उस पूरे ये वायर का वेट नहीं बता सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वायर इक्वल टू क्या है, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, दैट्स व्हाई लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसी फार्मूला को हम लेंगे, दैट्स व्हाई हमने लिखा। इसका फार्मूला का ये होता है पाई आर स्क्वायर एच।
और एच हमने फाइंड की वैल्यू को पुट करते 22/7 मल्टीपल ये रहा आपका डायमीटर वायर की 3/रेडियस मल्टीपल 3/20 एंड मल्टीपल ये मैं इस लेंथ को नहीं लेती हूँ, ये मीटर में है, ये डेसिमल, मैं इस पार्ट को मल्टीपल करके डायरेक्ट के फ्रैक्शन के रूप में यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 8800/7। ये आ गया हमारा वायर की जो है वो वॉल्यूम। अब हम मास निकालते हैं, तो मास ऑफ वायर इक्वल टू क्या होगा कि जो टोटल जो लेंथ है उसका, सॉरी उनकी जो वॉल्यूम है उनसे हम डेंसिटी को मल्टीपल करें। डेंसिटी ऑफ वायर मल्टीपल में वॉल्यूम ऑफ वायर, ओके, डेंसिटी विच इज 8.88 मल्टीपल इस सारे पार्ट को लिखेंगे 22/7 मल्टीपल 3/20 मल्टीपल 3/20 मल्टीपल 8800/7। यहाँ पे कोई भी पार्ट कर सकते हैं, ये 0 to 0 गया, इससे 0 से ये 0 गया, ये कैंसल हो जाएगा, ये 44, ये कैंसल हो गया, ये आ गया 22, और कोई पार्ट जो है यहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा। इन सबको जब मल्टीपल करोगे तब मल्टीपल करने के बाद सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आएगा वो आएगा 2211408.77776 एंड अपॉन में 2800। ये आ गया आपका इतना आया। अब इसे फिर क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करोगे तो 7.89.41 ग्राम, ये आ गई आपकी डेंसिटी, यानी कि जो वायर इसमें ओंड किए जाएंगे तो उनका जो डेंसिटी है उससे हम वायर की उसकी जो वॉल्यूम है उससे हम उसकी डेंसिटी को पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी को मल्टीपल कर लेते हैं, तो हमें पूरे वायर यानी जो भी चीज़ हो, यहाँ पे वायर है तो वायर और किसी शेप में हो तो वो, ऐसा नहीं है किसी और शेप के लिए मास के लिए अलग फॉर्मूला यूज़ नहीं होता है, उसकी वॉल्यूम मल्टीपल में हम डेंसिटी को ही लेते हैं। आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और शेयर करना।